भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा प्रदेश समिति का गठन किया गया। भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुश्री ममता सांगते के द्वारा प्रदेश समिति का गठन किया गया। इसमें उज्जैन युवा समाज सेवी श्रीमती रश्मि राजपूत जी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उज्जैन की अर्चना ज्ञानी को प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। इंदौर की छाया कल्याणे को उपाध्यक्ष, भोपाल की अंशु दुबे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगामी नियुक्तियां मेन बॉडी तथा प्रकोष्ठों में भी बहुत जल्द की जाएगी। भारतीय सद्भावना मंच का मुख्य उद्देश्य है समाज को मजबूत करना और सभी धर्मों को साथ लेकर कार्य करना, विशेषकर महिलाओं को, वनवासी क्षेत्र की बहनों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें सशक्त बनाना। माँ कल्पना साध्वी जी ने जो बड़ा दायित्व दिया है राष्ट्र संगठन मंत्री का, तो मैं चाहूँगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग जुड़ें और उनको जोड़कर ही हमें काम करना है, क्योंकि हमें भारत में जो अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर काम करना है, ताकि हमारे देश में फिर से वही सद्भावना का भाव सबके अंदर आए। जो आज कुछ कुछ वर्ग के लोगों में नफरत का भाव पैदा हो गया, उस नफरत के भाव को दूर करना है और भारत को अखंड बनाना है, कि हमारा देश जो पहले था एक गंगा जमुना तहजीब वाला, उसको फिर से लाना है। अध्यक्ष नियुक्त किया है मुझे ममता दीदी ने, और इस मंच के की मुहिम हम लोगों की ये है कि सभी वर्गों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको साथ में जोड़ना, उनमें देश के प्रति भावना जागृत करना, और हम सभी वर्गों को जोड़ेंगे उससे।